जी तो अस्सलाम वालेकुम, आज हमने कब्ज़ा कर लिया है जी रुबाब के शो पे, और रुबाब ने एक और भी हमारे से ज्यादती की है। इसने आज हमें शो पे बुलाया, जिस शो पे इसने हमें पहले बुलाया था उस शो की कामयाबी के बाद इसने हमें कहा जी आप आएँ आज इस शो में, आपको जो है वो 3 कप चाय मिलेंगे और यकीन करें खाली कप है। उस बात आप क्या कहेंगे? आप यकीन करें कि मैंने इतना ठंडा लेकिन है गर्म। आपको तो ठंडा गर्म लगता है, मुझे बताओ। अच्छा, इस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? इसने आज हमें गेड़ा दिया है यहाँ पे बुला के, इसने हमें चाय जो है वो बताना चाहूंगी कि मेरे कप में आप देख सकते हैं कि चाय है। अच्छा, ये देखिए ना, ये तो सबसे बड़ी ज्यादती है, यही सबसे बड़ी ज्यादती है। इसने हमें बुलाया, अपने हमारी चाय भी इसने अपने कप में डाली। रुबा आप क्या कहेंगे? एक और बात, अच्छा चाय का फर्क देखें, अपनी चाय जो है जेन्युइन जो है वो दूध में, और हमारी मेरे ख्याल से ये नहीं जो पानी वाली चाय, पानी वाली और मिक्सचर। अच्छा ये देखें, हमें फिर भी इसको पता था ना लड़कियां कहीं बाहर जा करेंगे, वो लड़की को कप ही नहीं दिया, उसको चाय दे दी इसने। आपके पास आपको आप क्या कहेंगे इसको? रुबाब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इन दोनों को चाय का कप पकड़ा दिया लेकिन मुझे कप नहीं। और रुबाब ये भी कह रही थी कि जब इधर से वो शॉर्ट टेक्स खत्म हो जाएंगे ना तो तुमने पकड़ लेना कप। हाँ ये भी इसने कहा। अच्छा आपको एक और चीज बताऊँ, इतनी कंजूस लड़की, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ यार, चलो बाहर से एक कप चाय मंगवा दो, बाहर से नहीं रुक, बजट नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर ने बजट नहीं दिया। मुझे बताया ना वो कौन सा प्रोड्यूसर है आपका? आज मेरे टक बिस्किट इधर से खाने थे आज, और मेरे सामने में ये अच्छा एक एक आपको पता है, वो लड़का वहां से आया, उसने वो बिस्किट हमें ऐसे दिखाए और ले गया बाहर। डाइट खराब ना हो इसलिए, मैं डाइट कोई मसला नहीं है, देखिए मसला नहीं है। अच्छा मुझे राउफ साहब ने कहा अर्ली मॉर्निंग आना है, मतलब कि मैं नाश्ता वो हमें करवा, नाश्ता इधर करना है। जब मैंने इधर आके देखा तो चाय का कप, यकीन करें मुझे दूर भी लगा के देखना पड़ा। उस्मान आपने तो चले, फिर भी आपने तो एक कप चाय पी लिया था। ये देखें ये अच्छा कितनी दूर से आई है, इस बेचारी ने घर से पानी का घूंट नहीं पिया। मैंने इसको कहा कि तुम आओगे तुम्हें यहाँ पे फ्रेश जूस जो है वो मिलेगा, फ्रेश जूस मिलेगा। अब वो आके वो बेचारी मुझे बार बार नीचे से टोंट किए जा रही है मेरा जूस। और यकीन करें मैं घर से सोच के कि आज ताजा ताजा पूड़ी होगी, चने होंगे, और क्या मजेदार नाश्ता होगा लसानी वालों का। लेकिन मैं भी कुछ सोच, रुबाब को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है, रुबाब को इस चीज का अंदाजा नहीं है कितने बड़े स्टार, 3 स्टार। मैं आपको बात बताऊं, आपने हमें 3 स्टार्स वाला वो क्रेडिट ना दिया तो हम तीनों जो है वो 3 इडियट्स बन जाएंगे आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ बन जाएंगे, मतलब अभी भी बन जाएंगे। नहीं आप देखें, अगर हम बन गए तो हम क्या शुरू करेंगे आपके साथ। सही है। अच्छा रुबाब, वैसे आप ठंड लग रही है आपको? हाँ थोड़ी थोड़ी लगती है। ये कोट वैसे ही दिखाने के लिए पहना है कि मेरे पास भी है ऐसा? हाँ, मैंने कहा पता चले, पैसे लगाए हैं अपने ऊपर, बालों पे भी लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं नजर नहीं आ, अच्छा जरा क्लोजअप करके दिखाए ना वो भाई मेरा जो है। अच्छा खैर मुझे आप ये बताएं कैसी है? मैं खूबसूरत। कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो भी देखता है वो यही कहता है। वैसे ये तो बात है, रबाब खूबसूरत है लेकिन नजर नहीं आती। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, रुबाब मैं एक चीज और बताऊं, रुबाब मुझे नाम बहुत पसंद है। अच्छा। बस नाम की हद तक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहीं मैं और चला जाऊं कि रुबाब के साथ वाले जो है ना, मुझे डर है कि मेरा सर्वर ना फाड़ने गई, पर रुबाब मुझे वो बस बता दें कि इधर भी जट्टी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा रुबाब नाम मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे रुबाब बचता हुआ बहुत अच्छा लगता है, वो आपको याद है वो, मतलब आई एम सॉरी मैं। हां रुबाब जब बचता है तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। अच्छा रुबाई मेरे ना हमने ना थोड़ी सी मेरे स्टूडियो में, मैंने अक्सर को बोला कि हमारे फैसलाबाद में जरा थोड़ी सी ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, तो अक्सर वो कैसा था थोड़ा सा बताएंगे जो हमने उधर एक्ट किया था? अच्छा मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ जिस तरह से मैंने फीमेल का रोल अदा किया तो उसमें आप जो है रोल अदा करें मेल का। हम दोनों चलें? चलें हम दोनों चलें? नहीं नहीं आपस में डायरेक्ट हो गया, हम देखते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा लाइव हो जाए। चलें जी। अच्छा आप मैं सिचुएशन दे देता हूँ, आप और उस्मान, आप और अक्सा, आप लोग दुबई जा रहे हैं और वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी है, तो ये आपसे शॉपिंग की डिमांड कर रही है और आपने इसको शॉपिंग नहीं करवानी, आपने तरीके से जो है वो उसको गेड़ा देना है। ठीक जी स्टार्ट। नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि ये शो कहने को ही बस मेरा है, बाकी तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब अगर पुलिस का सॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब है कि आगे किसी को भी थ्रेट करना शुरू कर देंगे। मेरी बात सुने, हमने पुलिस का सॉन्ग किया है इलाके का, ऐसे जो हसस गल्ला करता साडे नाल। जो तमाम अदाकार हैं वो तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो दिखाते हैं आपको छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे करके स्टूडियो में कि किस तरह से ये चीजें हैं। ऑन कैमरा आप देखते हैं तो बैक कैमरा भी हम आपको आज दिखाएंगे। जी उस्मान, उस्मान जदो अपना ब्याह होएगा ते मैं ते तेरे नाल दुबई जावांगी। खबरदार ये शादी नहीं हो सकती मुझे छोड़ के, मैं बीच में बैठा हूँ। अच्छा चले जदों होएगा, ओके जदों होएगा देखी जाएगी फिर। जी हौसला।
ਉਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਐਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਨ ਟਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਫਟੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਗੈਲਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਗਿੱਟਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੜਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਅੱਛਾ चलें जी ये थोड़ा सा फन था हमने रुबाब ने चूंकि हमें चाय नहीं पिलाई थी तो हमने कहा था कि रुबाब हमने आपसे बदला लेना और रुबाब को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था थैंक यू सो मच रुबाब आप क्या कहेंगी चलें आप शो आप मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब रूटीन का काम करके अक्सर हम बोर हो जाते हैं इस तरह का फन भी बहुत जरूरी है और आप जैसे दोस्त अगर साथ हों तो जिंदगी जो है वो खूबसूरत होने के साथ साथ इस तरह का जो हल्ला गुल्ला है उससे और भी हसीन हो जाती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का हमारा शो अगर आपको पसंद आया तो आप भी हमारे शो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज Thank you.